ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, teacher. The same, ma'am. मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन उर्दू मोलिम माविन मोलिम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सिरवार ताल्लुका मानवी ज़िला रायचूर आज के इस उर्दू ई क्लास में मैं आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, नौवीं जमात की उर्दू किताब में शामिल रुबायत का आज हम मुतालिया करेंगे, जिसको लिखा है शायर राही कुरैशी ने। तो राही कुरैशी ने एक अच्छे अंदाज में एक बेहतरीन जो है रुबाई यहाँ पर नौवीं जमात के तुलबा और तालिबात के लिए लिखी है। आइए इसको हम तफसील से रोशनी डालते हैं। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम मुतालिया करेंगे रुबाई की जो मुख्तसर तारीफ़ है उसका जो है यहाँ पर उस पर सुरसुरी रोशनी डाली जाएगी। तो रुबाई की मुख्तसर तारीफ़ यह है, रुबाई लफ्ज़ रुबा से मुश्तक है। इस बात का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है, रुबाई जो लफ्ज़ है वो रुबा से मुश्तक है, जिसके माने चार के आते हैं। यानी जैसा कि आप इससे पहले भी ये लफ्ज़ सुन चुके होंगे कि अरबी में रुबा को चार कहा जाता है, यानी चार रुबा को कहा जाता है अरबी में, उसी मुनासिबत से यहाँ पर रुबा के माने चार के हैं, यानी चार मिसरे वाली नज़म को रुबाई कहा जाता है। इस्तेलाह में रुबाई इस नज़म को कहते हैं जो चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। यहाँ पर इस बात का भी ज़िक्र ज़रूरी है कि रुबाई में पहला, दूसरा और चौथे मिसरे में रदीफ और काफिये की पाबंदी ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर आप देखते चलें, पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में और चौथे मिसरे में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल हुआ है। जैसा मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, रिफत अपनी, इनायत अपनी, बरकत अपनी, तो ये तीन मिसरों में यहाँ पर रदीफ और काफिया का इस्तेमाल हुआ है। बनिस्बत इसके तीसरे मिसरे में इसका इस्तेमाल, रदीफ और काफिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो रुबाई की एक ख़ास खुसूसियत है कि रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में रदीफ और काफिये की पाबंदी लाजमी है। तो यहाँ पर रुबाई में चौथा मिसरा हासिले कलाम होता है। इसमें आम तौर से अखलाकी, इस्लाही, मजहबी और फ़लसफियाना मजामीन बयान किए जाते हैं। तो चौथे मिसरे का यहाँ पर जो ज़िक्र हो रहा है, इसमें यहाँ पर, इसमें यानी आम तौर पर चौथे मिसरे में अखलाकी, इस्लाही, मजहबी और फ़लसफियाना मजामीन बयान किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल जो है रुबाई में लाजमी है। तो आइए बच्चों, बाकायदा हम रुबाई का आगाज़ करते हैं, जिसको लिखा है राही कुरैशी ने। पहली रुबाई है जिसका पहला मिसरा ये है, या रब तू दिखा अजमत व रिफत अपनी, या रब तू दिखा अजमत व रिफत अपनी, आसी से ना कर दूर इनायत अपनी, आसी से ना कर दूर इनायत अपनी, एक उम्र गुनाहों में बसर की लेकिन, एक उम्र गुनाहों में बसर की लेकिन, रख दे मेरे आमाल में बरकत अपनी, रख दे मेरे आमाल में
बरकत अपनी। तो बच्चों ये पहली जो रुबाई है, एक दूसरी रुबाई हम पढ़ेंगे जिसको लिखा है वही शायर राही कुरैशी ने। दूसरी रुबाई का पहला मिसरा कुछ इस तरह से है, सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, सच ये है कि झूठे को दुआ मिलती है, मासूम को दुनिया में जफा मिलती है। मासूम को दुनिया में जफा मिलती है, देते हैं सभी दर से सदाकत लेकिन, देते हैं सभी दर से सदाकत लेकिन ये क्या कि सदाकत पे सजा मिलती है, ये क्या कि सदाकत पे सजा मिलती है। तो बच्चे एक मरतबा फिर से यहाँ पर रदीफ़ और काफ़िये की जो पाबंदी की जो मैं बात कहा था पहले रुबाई में, तो यहाँ पर भी एक मरतबा आपको मैं उसकी निशानदेही करता चलूँ। जिस तरह कहा गया था कि रुबाई में पहला, दूसरा और चौथे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी होती है, तो इसी तरह यहाँ पर भी रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी की है, जिसकी निशानदेही कुछ ये है, पहले मिसरे में दुआ मिलती है, दूसरे मिसरे में जफा मिलती है, इसी तरह चौथे मिसरे में सज़ा मिलती है। ये रदीफ़ और काफ़िये यहाँ पर भी इस्तेमाल हुए हैं। बनिस्बत इसके तीसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िये की कोई यहाँ पर तफसील नहीं मिलती। तो रुबाई की ये ख़ास खसूसियत है कि ये क्या है, पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया लाजिम है। तो आइए बच्चों इसके बाद हम रुबाई के तख्लीक का, यानि रुबाई जो लिखे हैं राही कुरैशी, उनका मुख्तसर यहाँ पर तारुफ आपके सामने पेश किया जाता है। रियासत कर्नाटक के इल्मी व अदबी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शायर राही कुरैशी अपनी नवीयत के मुनफरिद शायर हैं। यहाँ पर रियासत कर्नाटक का जो इल्मी व अदबी सरजमीन है, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, हमारी रियासत कर्नाटक इल्मी व अदबी जो है वो सरजमीन कहलाती है। यहाँ पर बहुत से शोरा और उदबा यहाँ पर हैं और अपना अदबी सरगर्मियाँ और अपना अदबी जो है फ़राइज़ अंजाम देते आ रहे हैं। उसी में से एक मशहूर शायर राही कुरैशी भी हैं, जो अपनी मुनफरिद अपनी नवियत के एक मुनफरिद शायर कहलाते हैं। इनका असली नाम बरकतुल हक कुरैशी है, मगर इल्मी व अदबी हलकों में राही कुरैशी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस बात का मैं जिक्र करता चलूं बच्चों, कोई भी शायर होता है तो उनका असल नाम अलग होता है और उनका एक तखल्लुस यानी छोटा सा नाम जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर इनका जो असल नाम है वो बरकतुल हक है और कुरैशी इनका जो है वो तखल्लुस है। यहाँ पर इल्मी व अदबी हलकों में राही कुरैशी के नाम से वो जाने जाते हैं। महाराष्ट्र और औरंगाबाद में 20 अगस्त 1934 ईस्वी को पैदा हुए। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में इनकी विलादत 20 अगस्त 1934 को होती है। उसके बाद इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आप आला तालीम के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मास्टर की डिग्री हासिल की। इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने के बाद आला तालीम के लिए वो हैदराबाद चले गए। उसके बाद वहाँ से यानि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में वाक़ है, वहाँ से आप मास्टर डिग्री हासिल की और कर्नाटका यूनिवर्सिटी जो धारवाड़ में है वहाँ से आप पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद कलबुर्गी यूनिवर्सिटी में बहसियत सदर शोबे उर्दू वो फारसी तदरीसी खिदमात अंजाम दी। यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से
आप आला तालीम हासिल करने के बाद, पीएचडी की हासिल करने के बाद आप कलबुर्गी यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, जहां पर सदर शोबे उर्दू व फारसी डिपार्टमेंट वाक़ है, वहां पर आप बहसियत सदर शोबे उर्दू यानी उर्दू के उस डिपार्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से आप खिदमात अंजाम देते हैं और अपने इल्मी कारनामों से रियासत भर में मशहूर हुए। यानी आपके जो इल्मी वो अदबी जो कारनामे थे उसकी वजह से आप बहुत ही मशहूर है कहा जा रहा है। आपके शेरी मजमू के नाम ये हैं, आप एक बहुत अच्छे शायर भी थे, तो बहुत से जो है कारनामे अंजाम दे चुके हैं, उनके कई जो है वो क्या है मजमू कलाम यानी किताबें भी मंजर आम पर जो है आ चुके हैं, जिसमें पहली किताब का नाम है सहरा का सफ़र, दूसरी किताब है ज़मीर शब, तीसरी किताब है दीदाए बेखाब और अक्स की हिजरत। ये तमाम के तमाम ये राय कुरैशी साहब के मजमू कलाम यानी इनकी लिखी हुई शायरी की किताब हैं। एक मरतबा फिर से मैं इसका जिक्र करता चलूँ, उनके जो किताबें हैं लिखी हुई, सबसे पहली किताब है सहरा का सफ़र, दूसरी किताब ज़मीर शब, तीसरी किताब दीदाए बेख्वाब, चौथी किताब अक्स की हिजरत। तो ये इनकी जो है वो शेरी तख्लीकात हैं। रुबायत से आपको खासा शगफ़ रहा, यानी हालांकि ये बहुत अच्छे शायर थे लेकिन खुसूसन जो है वो रुबाई में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। यही वजह है कि आज हम इनके एक बेहतरीन रुबाई यहाँ पर मुतालिया कर रहे हैं। रुबायत से आपको खासा शगफ रहा यानी दिलचस्पी रही, जिसके नतीजे में आपने रुबायत का मजमुआ 400 के नाम से शाया करवाया। तो रुबायत का एक मजमुआ यानी कि रुबाई की किताब थी जिसको उन्होंने नाम दिया था 400 के नाम से शाया करवाया, इसी मजमुए से ये रुबाई माखूज है। जो किताब उन्होंने लिखी थी जिसका टाइटल था, जिसका उन्वान था 400, उसी रुबाई में से, उसी किताब में से हम जो अब रुबाई पढ़ रहे हैं उसी किताब में से लिया गया है। 2 मई 2010 को हैदराबाद दक्कन में आपका विसाल हुआ जाता है। इस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, राय कुरैशी साहब अपने इल्मी और अदमी खिदमात को मुख्तलिफ जगहों पर अंजाम देते हुए देने के बाद 2 मई 2010 को हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस सबक के अल्फाज मानों की तरफ रोशनी डालते हैं, जिसमें सबसे पहला जो लफ्ज़ है अजमत और उसके माने हैं बड़ाई, दूसरा लफ्ज़ है रिफत बुलंदी, और तीसरा लफ्ज़ है आसी और उसके माने हैं गुनहगार, चौथा लफ्ज़ है इनायत मेहरबानी, पांचवा लफ्ज़ है जफा जुल्म, और उसी तरह छठा जो लफ्ज़ है और उसके माने हैं सच्चाई, सातवां जो लफ्ज़ है उसके माने हैं बेगुनाह, आठवां जो लफ्ज़ है अमल की जमा यानी काम, अमल की जमा यानी काम, और आखिरी जो लफ्ज़ है यहाँ पर बरकत, जिसके माने हैं फ़ायदा। तो यहाँ पर मुख्तसर मुरक्कबात जो एक ही लफ्ज़ में जो है बताया गया है, बच्चों इस पर भी हम रोशनी डालें, यानी मुरक्कबात दर्स सदाकत यानी सच्चाई का सबक जिसे कहा जाएगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पर इस सबक के जो मुख्तसर यानी एक जुमले में जो सवालात जवाबात हैं उसकी सरगर्मी यहाँ पर हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है, शायर अल्लाह ताला से क्या मांग रहा है, शायर अल्लाह ताला से क्या मांग रहा है। जवाब इसका यह है, शायर अल्लाह ताला से अपने आमाल में
बरकत मांग रहा है। शायर अल्लाह ताला से अपने आमाल में बरकत मांग रहा है। दूसरा सवाल, मासूम को दुनिया में क्या मिलता है? मासूम को दुनिया में क्या मिलता है? जवाब, मासूम को दुनिया में जफा यानि बेवफाई मिलती है। तीसरा सवाल, सब लोग किस बात का दर्स देते हैं? सवाल, सब लोग किस बात का दर्स देते हैं? जवाब, सब लोग सदाकत वो सच्चाई का दर्स देते हैं। तो इसके बाद आएगी बारी बच्चों इन अल्फाज के अज़दाद की, यानी इस सबक में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसके ज़िद यानि अज़दाद जो हैं यहाँ पर हम मालूम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो लफ्ज़ है सच और इसका उल्टा लफ्ज़ होगा यानि ज़िद होगा झूठ। दूसरा लफ्ज़ अजमत, इसका ज़िद होगा ज़िल्लत जफ़ा और उसका ज़िद होगा वफ़ा। उसी तरह गुनाह, उसका उल्टा यानि ज़िद लफ्ज़ होगा नेकी। इसके बाद रिफ़त, उसका ज़िद होगा पस्ती। दुआ और उसका उल्टा यानि ज़िद लफ्ज़ होगा बददुआ। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इस सबक में जो अल्फाज, कुछ अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं उसके वाहिद के जमा देखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ गुनाह, उसका जमा होगा गुनाहों। इनायत, जमा होगा इनायतें। अमल, जमा लफ्ज़ होगा आमाल। बरकत और उसका जमा लफ्ज़ होगा बरकत। बच्चों इस सबक के इख्तिताम के बाद आपको एक छोटा सा काम दिया जाएगा जो होमवर्क के तौर पर यानी घर के काम के तौर पर रहेगा। सवाल कुछ ये है घर के काम के लिए, रुबाई गो शोरा का कलाम जमा करके अपने बयाज में लिखिए, यानी जिस तरह राही कुरैशी ने रुबाई लिखी है उसी तरह दीगर शोरा ने भी ये रुबाइयात लिखे हैं। ऐसे तमाम शोरा के कलाम को जमा करके आप ये बयाज यानी छोटी सी कापी में तहरीर करके लाना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। एक दूसरे सबक को लेकर हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपसे के आज का ये सबक रुबाई जिसको लिखा था राही कुरैशी ने आप बखूबी समझ चुके होंगे। तो एक नया सबक लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा। मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन माविन मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल सिरवार ताल्लुका मानवी ज़िला रायचूर एक दूसरे सबक के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। हाड़ी अली जो ते गुड़ी हेच्चे यहाँ कोना।